हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल कलरफुल वर्ल्ड ऑफ विजया में। दोस्तों देखिए, ये इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है जो क्लास टू के बच्चों के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की गई है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ये जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इन्हें अनजम्बल्ड करके यहाँ लिखना है। मीन अनस्क्रैम्बल करके यहाँ पर आपको लिखना है, इनको करेक्ट फॉर्म में आपको लिखना है। जैसे यहाँ GHU लिखा है तो इस वर्ड का कोई भी मीनिंग नहीं है, हमें इसे करेक्ट फॉर्म में लिखना है। दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि और भी लोगों को हेल्प मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है GHU। तो GHU को हम जब करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हमें वर्ड मिलेगा हग, HUG हग। हग मीन्स गले लगाना, जैसे मम्मा आपको गले लगाती हैं। सेकेंड वर्ड हमारा है AWRM, जम्बल्ड फॉर्म में। ये लेटर्स लिखे हुए हैं जम्बल्ड फॉर्म में, तो हमें यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड मिलेगा वॉर, WARM, वॉर। वॉर मीन्स गरम, कोल्ड मीन्स ठंडा होता है, वॉर मीन्स गरम। अब ICNE, तो जब हम इसे करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा वर्ड नाइस, NICE, नाइस। ओके, नेक्स्ट हमारे ये लेटर्स लिखे हुए हैं ELVO, तो ये वर्ड बनेगा लव, LOVE, लव। नेक्स्ट है SWETE, तो ये क्या हो जाएगा, स्वीट, स्वीट मीन्स मीठा, स्वीट मीन्स मीठा। नेक्स्ट है ROYSR, तो देखिए SORRY, तो ये हो गया सॉरी। नेक्स्ट है SSIM, तो मीन्स ये बनेगा मिस, MISS, मिस। आप किसी को जब मिस करते हैं ना, याद करते हैं, तो बोलते हैं आई मिस यू, है ना। तो अब देखिए ये नेक्स्ट है हमारा ROWRY, तो मीन्स इससे बन जाएगा हमारा मीनिंगफुल वर्ड WORRY। ओके, वरी, WORRY, वरी। देखिए बच्चों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज थी जिसमें आपको इन जम्बल्ड वर्ड को अनजम्बल्ड करके मीनिंगफुल वर्ड में चेंज करना था। तो हमें ये वर्ड्स मिल गए, हग, वार, नाइस, लव, स्वीट, सॉरी, मिस एंड वारी। आई होप बच्चों आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे, बाय।